वो करे तो ठग बंधन, हम करे तो जय गठबंधन। अरे वाह, पीएम मोदी की तरह मैं भी तुकबंदी सीख गया। विपक्षी पार्टियों का कोलिशन महामिलावट है, लेकिन बीजेपी करे तो ये जीतने की स्ट्रेटेजी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ पवित्र गठबंधन कर लिया है। यही नहीं, तमिलनाडु में बीजेपी और AIADMK के बीच सीटों पर समझौता भी हो गया है। देश के विकास की सेहत के लिए जिस महागठबंधन को बीजेपी हानिकारक बता रही थी, वो अब खुद जब गठबंधन के बंधन का सहारा ले रही है तो देश तो पूछेगा ही, जनाब ऐसे कैसे। पीएम मोदी ने संसद से लेकर चुनावी भाषणों में एक नहीं कई बार विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को निशाने पर लिया है। चाहे ममता बनर्जी की कोलकाता रैली में विपक्ष का जमावड़ा हो या BSP SP का यूपी में मिलन, विपक्ष के अलायंस की चर्चा भी चल जाए तो पीएम मोदी उसे कभी महामिलावट तो कभी देश को बीमार करने वाली बीमारी कहने से भी नहीं चूकते हैं। खुद सुन लीजिए विपक्ष के गठबंधन पर क्या कहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। देश की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी है और देश अनुभव करता है जब मिलावटी सरकार होती है तब क्या हाल होता है, और अब तो महामिलावट आने वाला है। महामिलावट, महामिलावट यहाँ पहुँचने वाले नहीं है, ये महामिलावट का हाल देखो। अब ये सुनने के बाद सवाल उठता है कि क्या बीजेपी इस चुनावी जंग में सबसे अकेले ही लड़ रही है? क्या इस बार बीजेपी 11 vs All Party मैच है? बिल्कुल ही नहीं। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। एक दूसरे पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली बीजेपी ने महाराष्ट्र में गले लगकर शिवसेना के साथ गठबंधन का ऐलान किया। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में बीजेपी 25 पर तो शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि विधानसभा की 288 सीटों पर दूसरी पार्टियों का हिस्सा निकालकर बीजेपी और शिवसेना आधी आधी सीटों पर लड़ेगी। मतलब कांग्रेस NCP गठबंधन के सामने यहाँ बीजेपी शिवसेना साथ होंगे। ये अकेले मैच खेलने की बीजेपी की बात तो यहाँ नो बॉल हो गया। तमिलनाडु में भी बीजेपी AIADMK और पट्टाली मक्कल कच्ची मतलब PMK के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। समझौते के तहत तमिलनाडु और पुडुचेरी को मिलाकर लोकसभा की कुल 40 सीटों पर बीजेपी 5 और PMK 7 सीटों पर लड़ेगी। मतलब यहां बीजेपी एंड टीम का मुकाबला कांग्रेस और DMK गठबंधन से होगा। अब इन सब के बीच बिहार को कैसे भूल सकते हैं, जहां गठबंधन के कंधे पर चढ़कर ही बीजेपी सत्ता की कुर्सी तक पहुंची है। बिहार की 40 लोकसभा सीट के लिए बीजेपी, JDU और लोक जनशक्ति पार्टी साथ हैं। बीजेपी और JDU 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं रामविलास पासवान की पार्टी LJP 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी। मतलब कांग्रेस और RJD के सामने पीएम मोदी इज नॉट अलोन, उनके पास भी अपनी बड़ी टीम है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल मोदी सरकार के साथ खड़ा है, यहाँ उल्टा कांग्रेस अकेले है। इस बार लड़ाई कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी अकाली दल गठबंधन के बीच है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकाली दल गठबंधन ने एक साथ मिलकर पंजाब में 6 सीटें हासिल की थी। मतलब यहाँ भी पीएम मोदी की हम अकेले हैं वाली कहानी सही नहीं बैठती है। ये भी सच है कि लोकसभा की 142 सीटों पर बीजेपी गठबंधन में है, तो क्या ये सारी सीटें मिलावटी हैं? इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट की 25 और केरल की 20 सीटों पर बीजेपी बहुत हद तक सहयोगियों के भरोसे ही है। टोटल सीट्स हो गए 187। इसके अलावा यूपी में अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जैसे छोटे छोटे सहयोगी भी बीजेपी के साथ हैं। मतलब तकरीबन हर राज्यों में बीजेपी की बी टीम यानी वोट कटुआ पार्टियों की बड़ी फौज है। बीजेपी की टीम में आधे प्लेयर्स उसी तरह से मिलावटी हैं जैसे वो दूसरे पर आरोप लगा रही है। अकेले हम अकेले तुम की बात करें तो करीब देश में आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस बिना किसी को साथ लिए आमने सामने हैं। इनमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इसके अलावा 7 सीटों वाली दिल्ली लोकसभा के लिए केजरीवाल की आप, कांग्रेस और बीजेपी में ट्राइंगुलर फाइट है। 10 सीटों वाली हरियाणा लोकसभा में भी हाल कुछ ऐसा ही है, एक तरफ चौटाला ब्रदर्स है, कांग्रेस है और बीजेपी, तो यहाँ भी दंगल इन 3 पार्टियों के बीच में है। यही नहीं, बीजेपी की नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब NDA में करीब 35 से ज्यादा दल शामिल हैं।
भले ही वो सब चुनाव ना लड़ते हो, लेकिन बीजेपी के लिए बूंद बूंद कर तालाब भरने का काम तो करते ही हैं। अब इन सब बातों को सुनने के बाद जनता इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर महामिलावट जीत की आहट है तो फिर ये कॉन्फिडेंस है या घबराहट है? अरे ये तो फिर तुकबंदी हो गई। खैर जो भी हो, इस वीडियो को देखने के बाद जनता महामिलावट या ठगबंधन जैसे शब्द सुनेगी तो पूछेगी जरूर, जनाब ऐसे कैसे?